भरूच नगर में कोरोना से संक्रमित वैसे पिता की मृत्यु के बाद डेढ़ साल के बाद मायके आई और पिता को मृतदेह में लिपटा हुआ देख पुत्री द्वारा स्मशान में ही भारी आक्रंद और रुदन मचाते हुए भावुक और गमगीनी का माहौल बना था। कहा जाता है कि कोरोना किसी का भी सगा नहीं है और न जाने पिछले एक साल के दौरान कोरोना से संक्रमित वैसे कई परिवार कोरोना में मृत्यु होते हुए बिखर चुके। जहां भरूच शहर में भी आज एक ऐसी ही घटना प्रकाश में आते हुए हर किसी का रुदन और आक्रंद भरा माहौल देखने को मिला था। भरूच के स्टेशन रोड पर आए हुए आर के काष्टा अपार्टमेंट में रहते 62 वर्षीय कमल किशोर मुद्रा और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित बने थे, जहां उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। तो वहीं दिन प्रतिदिन 62 वर्षीय कमल किशोर मुद्रा की हालत और भी गंभीर बन रही थी। तो वहीं डेढ़ साल के बाद अपने पिता को मिलने आई वैसी पुत्री ने अपने पिता का मृतदेह देखने के साथ भारी आक्रंद और रुदन के साथ गमगीनी का माहौल देखने को मिला था। जहां अस्पताल में भर्ती वैसे कमल किशोर मुद्रा आखिरकार कोरोना के सामने जंग हार चुके। कोरोना के सामने जिंदगी का खेल हारने के साथ मृतदेह की अंतिम विधि के लिए भरूच के कोविड स्मशान में उन्हें लाया गया। तो वहीं यहां पर भी पत्थर दिल भी पिघल जाए वैसी घटना घटने के साथ हर कोई दंग रह गया था। जहां नागपुर से 32 वर्षीय नेहा अपने पिता को मिलने भरूच शहर आई थी, लेकिन डेढ़ साल के बाद मायके आई वैसी नेहा को अपने पिता जीवित नहीं लेकिन मृत अवस्था में देखने के साथ उसके पैर तले की जमीन खिस गई और उसने भारी स्मशान गृह में ही आक्रंद और रुदन मचाने के साथ भावुक दृश्य घटित हुए थे और बाद यहाँ पर मौजूद हर किसी की आंख भी अश्रुबिनी होते हुए हर कोई रुदन के साथ पिता को अलविदा कहता हुआ नजर आया था। जहाँ पुत्री की भारी आक्रंद और रुदन के साथ भरूच के स्मशान गृह में काफी दृश्य घटित होने के साथ भावुक माहौल देखने को मिला था। तो वहीं ये घटना के बाद हर किसी को ये भी अपील की जाती है कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच अब हर रोज गंभीर रूप से कोरोना का मृत्यु आंक बढ़ रहा है। ऐसे में हर किसी को अपनी सलामती और सुरक्षा खुद ही बनाने की जरूरत आन पड़ी है। हर कोई अब कड़े रूप से कोरोना महामारी को नाबूद करने के लिए नियमों का कड़े रूप से पालन करें। हाथ बार बार धोए, मास्क पहने और जरूरी होने पर ही घर के बाहर निकले। सोशल डिस्टेंस का पालन करने के बीच ये तमाम नियमों का पालन करने के साथ कोरोना महामारी को हम हरा सकते हैं। Oh, my God.